तो इस चैनल के ऊपर मैंने काफी बार एनिमे के हिंदी डब वॉइस कास्ट के बारे में बात किया है, लेकिन यहाँ पे उनमें से मैं सच कहूँ तो कोई भी ऑफिशियल वॉइस कास्ट नहीं थी, उसमें ज्यादातर अनऑफिशियल और फैन डब कास्ट थी जो मैंने बनाया था। और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल हिंदी डब वॉइस कास्ट के बारे में, जो कि होने वाला है हम सभी के फेवरेट एनिमे जुजुत्सु कैसेन की सीरीज से। क्योंकि ऑलरेडी सभी लोगों को पता है कि जुजुत्सु कैसेन की सीरीज जो है वो हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर आ रही है, और यहाँ पर जब ये हिंदी डब होने वाला था तब काफी सारे फैंस को लगा था कि इसका हिंदी डब बेकार निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे जो कमाल के वॉइस आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसको काफी अच्छे तरीके से डब किया है, और इसीलिए आज फैंस जुजुत्सु कैसेन सीरीज के हिंदी डब के काफी बड़े वाले फैन बन चुके हैं। और सच कहूं तो जब से जीजीके हिंदी डब में आया है तब से काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस कैरेक्टर को कौन सा वॉइस आर्टिस्ट डब कर रहा है, और इसीलिए सब चीज को क्लियर करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु कैसेन के हिंदी डब वॉइस कास्ट की वीडियो, जिसमें मैं जीजीके के हिंदी डब के बहुत सारे वॉइस कास्ट को रिवील कर दूंगा। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया तो, और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल पे 40K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो तो हम लोग 40K सब्सक्राइबर के और नजदीक पहुंच जाएंगे। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सस्ता उठाकू को इस वीडियो के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सस्ता उठाकू भाई की वजह से ही ये वाला वीडियो आज बन पाया, इसलिए थैंक यू की जगह आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर सस्ता उठाकू जाके फॉलो कर सकते हो, साथ साथ वहां पर काफी सारे हिंदी डब एनिमे के वॉइस कास्ट के बारे में बताया जाता है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप लोग सस्ता उठाकू जाके जरूर से फॉलो कर लेना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब अपने वॉइस कास्ट वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जुजुत्सु कैसेन के सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे हम लोग बात करें पांडा और माकी की वॉइस के बारे में, तो इन दोनों वॉइसेस में मैं सबसे पहले बताता हूँ कि पांडा को हमारे वॉइस मनोज पांडे सर ने दी है, जिनकी वॉइस आप लोगों ने काफी सारे साउथ की मूवीज में भी सुनी होगी, हॉलीवुड की मूवीज में भी सुनी होगी, इवन ये काफी सारे एनिमेस के अंदर भी डब कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पे माकी जेनिन के बारे में बात कर ले तो माकी जेनिन को माही पुहान मैम डब कर रही है, जो कि दोनों की वॉइसेस आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशी गुरु, कोई मर गया क्या? वेल ये तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया अपने कुछ टोक्यो के स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें अपने जुजुत्सु कैसेन के अंदर कुछ क्योटो के स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे कि माकी की बहन माई जेनिन, और दूसरी है मोमो निशिमिया, और तीसरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो तीसरा कैरेक्टर है हमारा नोरितोशी कामो, और यहाँ पर एक एक कर बताऊं तो यहाँ पर माकी की बहन माई जेनिन को आयुषी मैम ने डब किया है। मुझे सरनेम से मत बुलाओ फुशीगुरो, पता तो चलना चाहिए ना कि मैं माकी नहीं हूँ, मुझे माई कह के। और यहाँ पे नोरुतोशी कामो को अक्षर जोशी सर ने डब किया है, और इसके अलावा मोमो निशिमिया को मैरिलिन मैम ने डब किया है। खासकर फुशीगुरो के मामले में ये खुद सेनिन खानदान से है, लेकिन उस खानदान के पुराने स्टूडेंट से माहिर है। अगर वो पूरा जोर लगाकर लड़ने लगा तभी हम अपने गेम पे थोड़ा ध्यान देंगे और जीत पाए, नहीं तो मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे वाह, ये तो खुद सातोरु गोजो है, मुझे यकीन नहीं हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें जुम्बी योशिनो के बारे में, तो इस कैरेक्टर को भी हम लोगों को जुजुत्सु कैसेन के सीजन 1 के अंदर दिखाया गया था, हालांकि इसको कह सकते हो कि इसको 2-3 एपिसोड के बाद ही निकाल दिया गया था, बट स्टिल यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जुम्बी को हिंदी में वॉइस दी थी हमारे हर्ष जोशी सर ने, जिनकी वॉइस भी आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। जैसे नेचुरल डिजास्टर, अरे ऐसा नहीं है। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आती है उताहिमे लोरी, तो यहाँ पर उताहिमे को जिसने वॉइस दी है वो है नताशा चुंगत मैम, जो कि लिटरली क्रंचीरोल के लिए काफी सारे एनिमेस को डब करती रहती है, और अब आप लोग इनकी वॉइस जुजुत्सु कैसेन के अंदर भी सुन सकते हो। चलो बस करो, ऐसे बेवजह लड़ना बंद करो, तुम लोग अभी भी बच रही हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें मासामिची यागा के बारे में, यानी हमारे प्रिंसिपल यागा, जो कि यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि इस कैरेक्टर को हिंदी में डब किया है निरंजन सर ने, जिनकी वॉइस भी आप लोग यहाँ पर अब सुन सकते हो। सुनो सातोरु, इसे एक रूम दे दो और सिक्योरिटी वगैरह से जुड़ी सारी बातें अच्छे से समझा दो। साथ ही अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि जुजुत्सु कैसेन के अंदर मेरा ही फेवरेट है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ केंटो नानामे के बारे में, जिसकी वॉइस सच कहूँ तो यहाँ पर हिंदी डब में इसकी वॉइस भी काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे केंटो नानामे को हिंदी में वॉइस दी है हिमांशु राणा सर ने, जिनकी वॉइस भी आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने अपने काफी सारे सॉर्सरर्स के हिंदी वॉइस के बारे में बात कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें अपने एक कर्स स्पिरिट की हिंदी वॉइस के बारे में, जो कि आता है माहिटो, क्योंकि यहाँ पे माहिटो की जो हिंदी वॉइस है वो है मोहित सिन्हा सर, जिनके बारे में मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनको सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी काकाशी को भी डब कर चुके हैं, साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जिरेन को भी डब किया है, और अब ये जुजुत्सु कैसेन के अंदर माहिटो को भी डब कर रहे हैं, जो कि आप लोग इनकी वॉइस सुन सकते हो। लेकिन लोग सिर्फ ऐसी खौफनाक कहानियों से ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे डरते,
तुम्हारे साथ बात करना सच में बहुत इंटरेस्ट। और अब देखा जाए तो यहाँ पर जुजुत्सु कैसेन की सीजन 1 के काफी सारे वॉइस कास्ट के बारे में मैंने आप लोग बता दिया है, लेकिन अब हम लोग बात करें जुजुत्सु कैसेन की सीजन 2 के बारे में, क्योंकि सीजन 2 यानी गोजो के पास्ट आर्क के अंदर हमें काफी सारे कैरेक्टर दिखने को मिले थे, जिसमें से हम लोग बात करें रिको आमनाई के बारे में। तो रिको आमनाई को हमारी प्यारी दिपिंती मैम ने आवाज दी है, जिनकी वॉइस सच में काफी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि ये नारुतो के अंदर हिनाटा को डब कर चुकी है, और अब आप लोग इनकी वॉइस अब रिको में भी सुन सकते हो। मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। झूठे, तुम्हारी शक्ल ही गुंडों वाली है और ये लंबे बाल तो अजीब। साथ इसके अलावा अपने जीजीके के सीजन 2 के एक और कैरेक्टर बारे में बात करें, जो कि आता है तोजी फुशिगुरो। तो तोजी फुशिगुरो जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर तो है ही, और यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि जो तोजी को हिंदी में डब करते हैं वो है पारस कोरदे सर, जिनकी वॉइस आप लोगों ने वन पीस के लाइव एक्शन के अंदर सांझे में सुनी ही होगी। अब मैं फुशिगुरो हूँ, मगर ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अब एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि अपने गोजो का भी काफी अच्छा दोस्त है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने सुगुरो गेतो के बारे में, जिसको हिंदी में वॉइस दी है क्रूठार्थ त्रिवेदी सर ने, जिनकी वॉइस आप लोग यहाँ पे अब सुन सकते हो। अगर उनसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें दो खास काम करने होंगे। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के बारे में, जो कि आती है नोबारा कुगिसाकी। तो नोबारा को जो हिंदी में वॉइस देती है वो है सुबेला शर्मा मैम, जिनकी वॉइस अब आप लोग नोबारा के अंदर भी सुन सकते हो। इसने वो अव्वल दर्जे की शॉपे चीज खा ली। छी यार, यकीन नहीं होता, ये लड़का सच में कितना गंदा है। अरे बाबा। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें फर्स्ट ईयर के दूसरे स्टूडेंट के बारे में, जो कि आता है मेगोमी फुशिगुरो। तो हमारे मेगोमी को जो हिंदी में वॉइस देते हैं वो है साहिल कुलकर्णी सर, जो कि लिटरली काफी सारे एनिमेस के अंदर ही डब कर चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर में आप लोग बता दूं कि ये ड्रैगन बॉल जी का है, और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर यामचा और माजिन बू को डब कर चुके हैं, और साथ साथ इन्होंने बेबलेट की फ्रेंचाइज के अंदर मैक्स और वॉल्टाओ को भी डब किया है, और माय हीरो एकेडमी के अंदर ये बाकुगो को भी हिंदी में वॉइस दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अब आप लोग इनकी वॉइस मेगोमी में सुन सकते हो। जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक यूजी तादोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अब जुजुत्सु कैसेन के मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कि आता है यूजी इतादोरी। तो यूजी इतादोरी को जो हिंदी में वॉइस देते हैं वो है विदित कुमार सर, जिनकी वॉइस आप लोग जेजेके के हिंदी डब में यूजी के अंदर सुनते हो। मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा, मैंने फैसला कर लिया है। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें जुजुत्सु कैसेन के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में, जो कि सबसे पहला तो आता है हमारा सुकुना और दूसरा आता है हमारा गोजो। तो हमारे जो ह्यूमन सुकुना को हिंदी में वॉइस देते हैं वो है अर्चित मौर्य सर, और यहाँ पर अपने सातुरु गोजो की हिंदी वॉइस के बारे में बात करें तो सातुरु गोजो को जो हिंदी में वॉइस देते हैं वो है लोहित शर्मा सर, जो कि दोनों ही काफी कमाल के वॉइस आर्टिस्ट है, जिनकी वॉइस आप लोग यहाँ पर सुन सकते हो। सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? अविश्वसनीय है, नरसंहार होगा। ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा, और 10 सेकंड पूरे होते ही तुम वापस आ। अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। तो यही हमारे कुछ कमाल के जेजेके के हिंदी डब वॉइस कास्ट है, जिनकी वजह से ही हम लोगों को जुजुत्सु कैसेन का हिंदी डब इतना ज्यादा पसंद आता है। साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग को भी जुजुत्सु कैसेन का हिंदी डब अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1.5 के लाइक्स का, जो कि मेरे हिसाब से आप लोग शायद पूरा कर ही दोगे। साथ साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों को जेजेके के जितने भी हिंदी डब वॉइस कास्ट मैंने बताया है उसमें से आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है या फिर आपकी कौन सी फेवरेट वॉइस है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और अब मैं मिलता हूँ बस लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।